इब्तिदा है रबी जल के बाबरकत नाम से करीम खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन और रब, जैसा कि आप जानते हैं, गुज़श्ता कई माह से नीलाब के हवाले से तारीखी जो हमारा एक शहर हुआ करता था और दरियाए सिंध के किनारे ये मोज़ा नहायत कदीम रहा है। इस हवाले से डॉक्यूमेंट्रीज आप देख भी रहे हैं, गुज़श्ता जो हमारी काविशें थी वो आपने काफ़ी सारी देखी हैं और मज़ीद उस पर काम जारी है। मगर आज एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मौजू तो वही है, लेकिन जो वो एक सब्जेक्ट जिसे कहते हैं वो एक नया है। वो ऐसे नया है कि कुछ नया ऐसा लिखा है इमरान भाई ने, जिसके ज़रिए आप पिछले डॉक्यूमेंट्रीज भी देखते आ रहे हैं। वो जो नया नई तहकीक है और नई किताब है, तो उसके बारे में आज एक तारुफी नशस्त हमने रखी है नीलाब के किनारे, दरिया सिंध के किनारे। तो हम चाहते हैं कि वो उसकी जो गुजारशाते हैं, उसकी गुफ्तगू है, उसके बारे में जो कुछ चीदा चीदा चीज़ें वो आपके सामने रखें। तो इमरान भाई जो किताब के राइटर हैं वो मेरे साथ हैं और इनके हाथ में किताब है। मैं जानना चाहूँगा कि ये किताब क्या वही किताब है जिसके बारे में मैंने सुना है, या कोई और सिलसिला है। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम अस्सलाम जी करीम भाई। इमरान भाई कैसे, और बड़े दिनों बाद आप मुझे लेकर आए हैं दरिया सिंध के किनारे। बादल भी छा गए हैं आते ही, तो कैसी गुजर रही है लाइफ? जी अल्लाह का शुक्र जी, अच्छी गुजर रही है। ये जो हाथ में आपकी किताब है इमरान भाई, क्या ये वही किताब है जो आपने नई तहकीक की है? जी करीम भाई, ये इंग्लिश की बुक है, इंग्लिश में लिखी गई है। जो नई तहकीक है वो किताब आपने इंग्लिश में लिखी? जी ये तहकीक तो पुरानी है, लेकिन उसी सिलसिले को हमने बढ़ाया है और उसको जो है हमने इंग्लिश में साथ कन्वर्ट किए। जी आज उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? जो किताब है क्या ये अभी मराहिल में है, क्या आप इसको शाया कर रहे हैं मार्केट में और नाज़रीन तक इसके बारे में मतलब है कि कोई आगाही दें? जी इंशाल्लाह अनकरीब ये आपके हाथ में भी होगी जी। और इस बुक का हमने इसको नाम दिया है इंडस रॉक आर्ट नीलाब एंड मंदोरी। इस नाम से तासुर क्या मिलता है हमें, यानी कि जो दरिया किनारा है, दरिया का दरिया सिंध का किनारा है, इसके किनारे ये नीलाब इलाका ही आपका मकसद है या जितना भी ये किनारा है इंडस? जी ये मैंने आपको सबका एक साथ में भी बताया था कि ये एक बड़ा शहर था नीलाब, और जब ये मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड हुआ तो उसमें जब भी मंदोरी और छोटे छोटे जो है मौजूदा जो देहात हैं, लेकिन इसी जो नीलाब के दोनों अतराफ हैं, दोनों किनारे हैं, इस पर इब्तदाई इंसान के पत्थरों के ऊपर कुछ सैम्बल्स हैं, जैसे हमारे पीछे भी आपको एक पत्थर नज़र आ रहा है, तो ये इसी तरह के तमाम पत्थर हैं। हम आगे उनकी तरफ भी आपको ले कर जाएंगे। तो लेकिन ये इसमें ये बात है कि ये सैम्बल के अदवार मुख्तलिफ हैं। जो बाग नीलाब में पत्थर हैं उनका पीरियड अलग है, और जो मंदोरी के मकाम पे जो पत्थर हैं उनका पीरियड अलग है। तो इसी तरह कुछ पत्थर जो हैं यहाँ से नीचे जो है केपी के साइड पे गंदाब का एरिया है, वहाँ भी कुछ खुले मैदान के अंदर कुछ पत्थर जो है वो पड़े हुए हैं। तो ये यही नीलाब के किनारे बनते हैं दोनों तरफ से, मंदोरी भी, नीलाब भी और गंदाब भी, करीब करीब के ये लोकेशन बनती हैं। गालिबन मंदोरी कुछ ऊपर है और जो गंदाब है वो कुछ नीचे। जी ये मौजूदा जो मौजा बाग नीलाब है इससे थोड़ी सी ऊपर की तरफ जो है ये तकरीबन जाबा गांव के बिल्कुल अपोजिट साइड पे है, और ये जो गंदाब है ये तो बाग नीलाब के बिल्कुल सामने है। जी जी चले इसके बारे में भी जाते हैं। मरकज़ी ख्याल क्या है इस किताब का, ज़रा ये बताइए। जी मरकज़ी ख्याल इसका यही है कि जो इब्तदाई इंसान जो पाया गया है हमारे पोठवार के इलाके में, वो सवां और इंडस के किनारे पे पाए गए हैं, ठीक है जी, जिसे आप दरिया सिंध कहते हैं। तो उसी चीज़ को हमने तलाश की है, ठीक है जी, उस जो इंसान की बाकियात हैं वो उसने तहरीर की सूरत में छोड़ी हैं इन पत्थरों के ऊपर। जी तो हम आगे जाके आपको वो बाज़ाब्ता तौर पे वो तहरीरें, वो सैम्बल, वो निशानात दिखाएंगे। बिल्कुल इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, मगर चूंकि आज एक तारुफी नशस्त हमने रखी है किताब के हवाले से, तो इस पे मज़ीद बात करेंगे। बिल्कुल मैं एक पत्थर के करीब बैठा हूँ। इस पत्थर की जो तस्वीर है
वो आप इस किताब में देख पाएंगे। जितने भी किताब के ऊपर वो नकूश छोड़े हैं उस वक्त के इंसानों ने, यहाँ जो रहते थे, रिहाइश पजीर थे यहाँ से, और उन्होंने काफ़ी सारे रिसर्च किए हैं इमरान भाई ने। तो ये किताब बिल्कुल साथ हमारी एक बहुत बड़ी चट्टान पड़ी है, पत्थर है, तो इसके ऊपर भी वो निशानात वाजिया हैं बिल्कुल। अगर आप गौर करें इसके ऊपर, वैसे अगर देखा जाए तो एक पत्थर है, इसके करीब से आप होकर गुजर जाएंगे, लेकिन जो रिसर्च होते हैं, जो तारीख़ से जिनको मोहब्बत होती है, वो चाहते हैं कि कुछ हमें मिल जाए इस हवाले से, उनको ये चीज़ें नज़र आ जाती हैं। और अगर आप जो कि अब जबकि इमरान भी ने इस पर रिसर्च किया हुआ है और वो हमें मालूम है कि जी इस पर कुछ लिखा हुआ है, तो हम जब गौर से देखेंगे तो उस पर इंसानी नुमा तलवारें हैं, उन्होंने तलवारें पकड़ी हैं, या वो पंजे हैं, या तलवारों के निशानात हैं मुख्तलिफ, जो उन्होंने अपने उस वक्त के कल्चर को या अपने ज़िंदगी के जो तासुरात हैं वो पत्थर पर निशान के ज़रिए वाजिया किए हैं। इमरान भाई से मज़ीद बात करूँगा। इमरान भाई, ये जो किताब आपने लिखी है, कन्वर्ट की है इंग्लिश में, इस इंडस रुख के हवाले से कितने अरसे में आपने इस पर रिसर्च की? जी, ये अगर आप देखें तो जिस तरह हमारा सिलसिला बुक का चल रहा है, नीलाब खट्टर, और उसी के साथ नीलाब माल अंसाब, तो ये उसी का हिस्सा है। जी जी, उसी का हिस्सा है, जिसको एक हिस्से को हमने, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल का काम है, तो इंटरनेशनल इसकी जो है बहुत ज़्यादा अहमियत है, तो कुछ दोस्तों के इसरार पे हमने जो है इसको इंग्लिश में जो है कन्वर्ट किए, और हमने इसको फोर कलर हम छपा रहे हैं। जी, ये फोर कलर होगी, इसलिए फोर कलर होना ज़रूरी है कि वो सैम्बल ज़्यादा अच्छे तरीके से वाजह हो सकें। जी चलें, ये भी गुफ्तगू उसको मज़ीद बढ़ाएंगे। क्या एक ये जो आपने इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन किया है कि बुक का, इसका इरादा भी है कि आगे इसको उर्दू में भी इसको दो हिस्सों में करके आप छपवाएं? जी इंशाल्लाह, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि चूंकि इस पे अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये फ़र्द वैद के लिए अपनी तहकीक को जारी रखना और फिर उसको पब्लिश कराना, तो ये दो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी यानी महंगी पड़ती हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश तो होती है कि हम बेहतर से बेहतर तरीके से आवाम को जो है मुस्तफीद कर सकें। बिल्कुल, ये जो सिलसिला है इंडस रॉक्स का, और ये जो सिलसिला है, इसके ऊपर भी डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे, और वो नीलाब और कटर जो किताब की डॉक्यूमेंट्री आप गाहे बगाहे चैनल पे देख रहे हैं, वो आगे से आगे तक हम लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर भी रहती हैं डॉक्यूमेंट्री के अंदर। वो कम्प्लीट होने के बाद फिर हम इस तरफ आएंगे, और इसके ऊपर जो जैसे कि इमरान भी ने कहा, नीलाब शहर जो हमारा इस वक्त देहात है, इसके करीब जो पत्थर हैं मंदूरी में और फिर गंदाब में, उसके हवाले से फिर हम खसूसी जो एपिसोड हैं वो रिकॉर्ड करेंगे इस किताब के हवाले से, और इसकी जो चीदा चीदा चीज़ें हैं वो भी आपको बताएंगे। ये जो तारुफी नशस्त है, इसके बारे में मज़ीद बात करेंगे। इमरान भी ये बताइएगा, तकरीबन कब तक नाजरीन के हाथ में ये बुक होगी? जो है अनकरीब, इस ये जो हमारा एरिया है नीलाब का, कितने हज़ार साल पुराना है? ये जो हमें इस इन पत्थरों के निशानात से जो हमें इसके इब्तदा के बारे में पता चल रहा है, तो ये तकरीबन 7000 साल बनते हैं, यानी 5000 साल कबल मसीह के निशानात हैं ये, जो बाग नीलाब के मकाम पे हैं। तो इससे पहले जो काम हुआ है, आपने कहा कि काम हो चुका है, वो उन्होंने कितने साल पुरानी तहकीक की है? क्या वो भी 5000 और 7000 के करीब उन्होंने तहकीक की है, या उससे कम है या ज़्यादा? जी, वो जो निशानात हैं वो चिलास वाले पत्थरों पे, वो मुख्तलिफ अदवार के हैं, उसमें ईरानियों का पीरियड भी शामिल है, कोशानों का पीरियड भी शामिल है, ठीक है जी, तो उसमें हिजरी वस्ती हिजरी पीरियड भी शामिल है, यानी एक ही पत्थर के ऊपर आपको एक निशान वस्ती हिजरी पीरियड का मिलेगा, एक निशान जो है वो आपको कोशान पीरियड का, बुद्ध पीरियड का मिलेगा, एक निशान उसके ऊपर आपको इसका मिलेगा, ईरानियों का मिलेगा। जी जी, वो मुख्तलिफ अदवार होते हैं, क्योंकि वो भी इंटरेस्ट पॉइंट था, ठीक है जी, वो भी शाहरा थी, तो वो जैसे जैसे वहाँ पे हमलावर घुसते गए, उन्होंने अपने सैंपल, जैसे मैं आपको इन पत्थरों पे दिखाऊंगा कि इस पे कुछ लोगों ने, अभी हमारे साथ के जो कुलीग थे बच्चे जब हम थे, तो कुछ बच्चों ने इसके ऊपर जो है उर्दू में अपने नाम तहरीर किए, कुछ ने इंग्लिश में लिखे, तो ये टाइम के साथ होता है, जब बंदा सबका किसी चीज़ को देखते हैं तो वो बाद वाले भी उस पर ट्राई करने की कोशिश करते हैं उस तरह कुछ करने की।
चलें बिल्कुल, ये जो रिवाज है ये चलता जाता है हर दौर के हिसाब से, और जो आज का जदीद दौर है, कंप्यूटर और लैपटॉप का दौर है, इंटरनेट का दौर है, इसके अंदर तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। कोई भी चीज़ आप सेव रखते हैं इंटरनेट पे आपको आसानी मिल जाती है। पत्थर पे नकूश उस वक्त दौर का एक जिद्दत था जब वो अपने निशानात पत्थरों पर लिखकर छोड़ देते थे। तो इमरान भाई, मजीद इसके अंदर जो उन्होंने अपने नकूश छोड़े हैं वो किस हवाले से हैं वो बताइए। वो जो है कि आप देख लें कि वो जो इंसान की बुनियादी ज़रूरत थी, तो अगर आप हिंदुस्तान का कल्चर देखें तो आज भी, यानी आप ये साइड छोड़ दें, इंडिया वाली साइड चले जाएं, तो गाय को बहुत ज़्यादा मुतबर्रक समझा जाता है। तो ये माल बर्दारी के लिए या किसी चीज़ के लिए भी जो बुनियादी चीज़ जो थी हिंदुस्तान के अंदर, वो अहमियत जिस चीज़ की थी वो गाय थी, क्योंकि घोड़ा यहाँ पे सिकंदर आज़म के साथ आया है, यानी घोड़ा इस एरिए की पैदावार नहीं है, इस बेल्ट में नहीं था। तो इसमें जो है बैल और गाय की अहमियत जो है, तो ज़्यादा आपको जो सैंबल मिलेंगे वो आपको वो बैल्स के मिलेंगे, यानी वो नर बैल जो होता है उसके मिलेंगे ज़्यादा से। वो जो इब्तदाई रहन सहन की चीज़ें थी वो उन्होंने नकूश छोड़े। जी जी, वो जिनसे वो काम लेते थे या उनके रोज़मर्रा काम आने वाली जो चीज़ें थी, तो उसके जो है ज़्यादा सैंबल्स उन्होंने छोड़े। जनाब, ये जो इंडस रॉक आर्ट और नीला बेन मंदूरी जो ये बुक है, ये अनकरीब आपके हाथ में होगी। इस हवाले से इसके ऊपर भी हम डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे, जिस तरह नीलाब और कोटल के हवाले से आप डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं हमारे चैनल पे, और ये सिलसिला को आगे बढ़ाएंगे। नीलाब का जो ये खत्ता है, दरियाए सिंध का किनारा जो है, अटक से पुल से लेकर यानी कि कालाबाग तक, या यूँ समझ लीजिए कि खुशहालगढ़ तक, ये जो पूरा ये तारीख़ी अहमियत रखता है बहुत अहम दोनों साइडों से। तो इसके ऊपर ये जो काम है, सिलसिला है तारीख़ के हवाले से डॉक्यूमेंट्री बनाना, ये हम अपनी काविश कर रहे हैं आप तक पहुंचाने के लिए, ताकि आप भी इसकी अहमियत से वाकिफ़ हों। और इमरान भाई की खसूसी काविश हमारे साथ होती है, राइटर हैं, इन्होंने ही सारा सर्च किया है ज़्यादा इसी एरिए पर। हमारे ज़िले में नहायत हमारा अहम असासा है, क्योंकि इससे पहले तारीख पर किसी ने नहीं लिखा। हाँ, जो उस वक्त थे ब्रिटिश राइटर थे उन्होंने लिखा, उसके बाद यानी उससे पहले जो शहनशाह अकबर ने लिखा, अकबर क्या आईने अकबरी था, अकबर था और तो उसके जहांगीरी था, तो उसके बाबरी था। तो वो जो सिलसिला है, उसके बाद अंग्रेज ब्रिटिश के बाद राइटर के बाद अगर किसी ने सर्च किया है, लिखा है, तो इमरान भाई हैं। तो मोहम्मद इमरान कटड़ भाई का इसी बांदिलाब से ताल्लुक़ है, और ये जो सिलसिला ये मज़ीद चल रहा है, ये नहायत खुशाइंद और नहायत ख़ुशी का मकाम है कि जनाब हमारे हाँ ऐसे अहबाब मौजूद हैं जो अपने इलाके को प्रमोट करते हैं और यहाँ की जो तारीख़ है उसको इंटरनेशनल सतह पर उसको सामने लेकर आते हैं, उस पर सर्च करते हैं कि पूरी दुनिया इससे वाकिफ हो जाए कि हमारे यहाँ जो खत्ता है वो नहायत कदीम है। उसके बाद हम इंशाल्लाह इस इंडस रॉक आर्ट पर आएंगे और इस हवाले से डॉक्यूमेंट्रीज आप तक पहुँचाएँगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान करीम खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद